सत्संग जी, प्यार से कहना धन का जी, संगत के ये वचन सभी संतों ने श्रवण भी किए और जीवन में ये वचनों को उतारने का प्रयत्न ये लगातार ही चल रहा होता है। और कैसे ये भाव मन के कि इस जीवन में एक भक्ति से हर पल को जिया जाए, इस निरंकार के ऊपर आधारित जीवन कर लें और अपने आप ये एक डे बाय डे जो भी रूटीन है वो अपने आप होती ही जाएगी। कैसे हम अपनी ऊपर गलतियों के ऊपर केंद्रित रह के खुद को बदलने का भाव रखते हैं और जब जब ऐसा होता है तो वाकई ही ये एहसास होता है कि दुनिया खूबसूरत होती जा रही है, क्योंकि हम अपनी कमियों को सुधार रहे हैं, हम खुद को सुधार रहे हैं। और ऐसे ही गलतियों को संत मती के जो होते हैं वो तो इंटरनलाइज कर लेते हैं, वो खुद अपने अंदर झांक के कि कहाँ खड़े हैं, कहाँ एक चूक हो रही है, किस तरह ये एक महात्माओं के संतों के वचनों से जीवन को सुधार लेते हैं। पर जिनके एक संतमती नहीं है, एक अपने मन के अनुसार मनमती पे चलते हैं, वो फिर एक एक अपनी कमी को भी एक्सटर्नलाइज करते हैं, बाहर कोई और कारण ढूंढते हैं कि कुछ अगर हमने गलत किया है तो कोई कारण है, अगर हमें गुस्सा आया है तो किसी ने दिलाया है इसलिए आया है। ऐसे भावों को अपना लेते हैं कि हमने किसी से बुरी भाषा गाली गलौज इसलिए की क्योंकि दूसरे ने पहल कर दी, दूसरे ने मजबूर कर दिया बोलने को, जबकि सोचा जाए तो ये हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारे होठों से जब निकल रही है तो उसमें किसी और का योगदान नहीं, बस ये हमारी ऊपर ही है कि हम उस समय निराकार को भुला बैठे हैं तो एक सब कुछ नेगेटिव ट्रैक पे ही रहेगा। और जब ये एहसास में हैं, एक सोच यही कि मानव हैं तो मानवीय गुणों को ही दर्शाएं, तो फिर एक शब्द भी कठोर नहीं निकलेंगे, एक सोच ये नहीं बनेगी कि किसी ने मेरा नुकसान किया है तो उसका भी नुकसान हो। ये हर एक के भले की भावना, ये कामना कि हर एक का सुधार भी होता जाए, एक मन में बदलाव भी आता जाए। तो संतों ने तो ऐसी ही बात हमेशा सिखाई है, वरना फिर ये माया में दुनिया के रास्ते तो ऐसे होते हैं जो सब कमियां हमारी भी किसी और को कारण बना बैठते हैं हम, कि किसी और वजह से, कोई परिस्थिति की वजह से, कोई इंसान की वजह से आज ये हाल है हमारा। तो ऐसी ही एक कहानी भी है जहां एक इंसान एक रात को बहुत ही ज़्यादा नशे में चूर होकर इस तरह होता है कि सड़क पे ठीक सीधा चल भी नहीं पा रहा, कहीं गिर रहा है, किसी खंबे में बज रहा है। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा आया जिस गड्ढे में एक खंबे से टकरा के जा गिरा, और अब जब गड्ढे में अंदर गिर गया है तो उस समय भी सोच यही आ रही है कि ये जो सड़क बना रहे हैं लोग, ये सुबह तो बहुत ठीक सड़क बनाई थी, अब रातों रात इन्होंने सड़क इस तरह खराब कर दी कि मैं सीधा चलता हुआ भी गड्ढे में जा गिरा। और हकीकत तो ये कि जैसे वो सड़क सुबह थी, रात को भी वैसी थी, बस गलती कहाँ हुई कि खुद के ही सेंसेस में वो इंसान अपने होश में ही नहीं और खुद को जाके उस खड्डे में स्वयं गिरा दिया। और कारण फिर अब बाहर ढूंढा जा रहा है, एक एक्सटर्नल चीज़ को कारण बना दिया कि ये सड़क किसी की गलती की वजह से ख़राब है इसलिए मैं अब इस खड्डे में गिर गया हूँ, ये शराब खराब सड़क का नतीजा है। तो बात ये नहीं सोच रहा कि कैसे एक
अल्कोहल की वजह से मेरा ये एक होश उड़ गए और मैं अपने सही मार्ग से एक डिविएट हो गया, एक हिल गया, एक रास्ता मेरा जो स्ट्रेट था, सीधा था, मैं कैसे खुद ही डगमगा रहा हूँ, उस पर तो बिल्कुल एक ध्यान नहीं, पर अनेकों कारण बना दिए गए कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, इतना अंधेरा है, सड़क ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं। तो ऐसे ही हम भी जीवन में कितनी बार ऐसा ही कर बैठते हैं, जहाँ फिर कुछ भी हो, वजह कारण कोई एक व्यक्ति विशेष या परिस्थिति, या फिर अक्सर ये शब्द की भाग्य को ही कोसते हैं, इस निराकार दातार तक को कोस देते हैं। तो बात यही कि ये अपने अंदर झांकने का समय, ऐसी परिस्थितियों में वो टेस्ट भी हो जाता है कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं, और एक परिस्थिति को, सिचुएशन पे हमारा रिएक्शन, सोच, हर चीज़ कैसी जा रही है। तो यही बात कि हमने हर समय जहाँ अपनी सोच को इस निराकार से जोड़कर मन को भी पवित्र रखना है और सोच भी दूषित नहीं होने देनी, और किस तरह फिर बहुत ही सहज हो जाता है संसार के हर इंसान से सिर्फ प्यार करना, अपने आप को भी एक ठीक रास्ते पे वापस डाल लेना अगर भटक भी गए तो भी। तो कैसे खुद को सही चलाना, ये मानवीय गुणों को अपनाते हुए तभी संभव है जब हर पल ये हाथ इस निराकार को दिया है कि ये संभालता है, इसी के ऊपर आधारित रखें खुद को, तो फिर ये जो मार्ग है, ये सच्चा रास्ता, ये सच खुद, ये निराकार, इसी के ऊपर ये अपना केंद्र का मेन सोर्स बना देंगे, ये फोकस बना देंगे, तो फिर बहुत ही जीवन भी सहज है, खुद को भी हम एक सही रख सकते हैं। तो हर किसी के अंदर ये मन के भाव होने बहुत संभव हैं, कि ये अक्सर हम आजकल एक बात बोल देते हैं कि दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमें भी टेढ़ा होना पड़ रहा है, संसार बहुत खराब है, इसलिए हमें भी खराब होना पड़ रहा है। तो बात ऐसी नहीं है, एक खराब जगह भी एक अच्छी चीज़ तो करना ना करना एक हमारे ऊपर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं किसी ने हमसे धोखा किया तो हमें भी पलट के किसी और के साथ या उसी के साथ धोखा करना है। एक तब भी प्यार, एक समझदारी, एक विशाल दिल, एक उस तरह बदले का भाव मन में ना आए, ये भी हम पे ही है कि कौन से सोचों को अपने दिल में बसाना है, ख्यालों को बसाना है, भावों को बसाना है, और किस भाव को स्थान नहीं देना दिल में। तो एक ये सिर्फ दलील ऐसी कि ऐसा होता जा रहा है तो ऐसा करना, इस माया भरी दुनिया के माया के रंग में चूर होना, यही करना पड़ेगा, नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो वो वैसे ही ये निराकार हर जगह दिख रहा है, इस माया रूप का असर इस निराकार रूपी कवच के कारण नहीं हो रहा। तो एक खुद को सुधारने के ही रास्ते पे रखें, ना कि अपनी बर्बादी का कारण स्वयं बन जाएं। तो हर किसी के जीवन में एक प्रेमा भक्ति, एक नम्रता, एक प्यार सत्कार, एक अच्छे भावों की दुनिया ही हर कोई अपने अंदर अपने बाहर बसाए, तो ये करना हर एक के हिस्से में संभव है और करा जा सकता है। तो हर कोई जहाँ एक तभी फोकस देता है कि एक संगत को इग्नोर नहीं करना, एक बार बार आके जो शिक्षाएं मिल रही हैं उनको और अपने अंदर पक्का करना है, ये सेवा के भाव, एक सुमिरन के भाव, इसको भी किसी इच्छा के साथ नहीं जोड़कर निस्वार्थ होके, सरेंडर्ड होके करना है। और अभी भी जैसे हमने सुना कि समागम सेवा की बात भी कि वो समय आने लगा है, तो सभी ने जहाँ तन मन धन हर प्रकार से
ये सेवाओं में बढ़ चढ़ के भी हिस्सा लेना है, और ये भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि ये कोई वो बात नहीं कि हम फिज़िकली कितना उस ग्राउंड में लगातार खुद हैं या कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अक्सर किसी का अगर किसी कारण से कोई शरीर ठीक नहीं या किसी और वजह से वो एक सेवा नहीं भी हो पा रही, तो भी भाव है तो वो सेवा कबूल है। तो हर कोई जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग के ओर अपना ध्यान बना के रखे, और ये ब्रह्म ज्ञान जिस तरह जीवन में है तो एक अपनी हर तरह से पॉजिटिविटी को एक बढ़ाते चले जाएं। और अभी जैसे समागम लोगों में भी हमने ये विस्तार असीम की ओर का ये रूप देखा, तो भाव वही मन में कि ये निरंकार तो एंडलेस है, निराकार का विस्तार तो बस ऐसा है कि कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऐसे ही अपने सोच को, दिल को इस तरह विशाल बना लें, इस तरह इसका विस्तार कर दें कि हर कुछ इसमें सीमित होकर एक अंदर इसके बस के फिर भी मन में पॉजिटिविटी ही रहे। तो दातार हर एक पे कृपा बनाए रखे कि ऐसे ही भावों को लेके अपने जीवन का सुधार करते जाएं, और आगे भी कुछ घंटों में रवानगी दूर देशों के एक टूर की, तो उधर भी सत्संग और संतों के दर्शन होंगे, और इसी तरह फिर वापस आके फिर आपके बीच होकर और वहाँ से फिर ये समागम की भी तैयारियाँ शुरू। तो सभी ने एक नियमित रूप से सत्संग को भी प्रायोरिटी बना के रखना है, निराकार को हर समय अपने दिल में बसा के रखना है, इस नाते को और स्ट्रॉन्ग स्मरण से करना है, और सेवा भाव के लेकर सेवाओं को भी करते जाना है। सत्संग जी, दान नंका जी।